हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस स्पेशल सेशन। और यहाँ हम हमारे एक और सफल कैंडिडेट से मिलेंगे जिनका नाम है सूरज, और जिन्होंने CGL 2022 में ऑल इंडिया रैंक 655 जो है वो हासिल की है, और ये CSS में ASO जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। सो सूरज की इस पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई, किन किन पड़ावों को इन्होंने पार किया, यहाँ पहुँचने से पहले किन किन जॉब्स को क्लियर किया और उसको ज्वाइन नहीं किया, किस तरीके से अपनी कैपेसिटी को डेवलप किया और आज इस लेवल पे बैठे हुए हैं। सो सूरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और पहले तो मैं बधाई के साथ शुरुआत करूँगा, बहुत बहुत बधाई सफलता पे। तो शुरुआत करते हैं स्कूलिंग के दिनों से, राइट? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड। कन्नौज के हिम्मतपुर गांव से हूँ। ओके। और मेरी स्कूलिंग 8th तक प्रॉपर वहीं पे सरकारी स्कूल से हुई है सर। ओके। हाँ, गांव से ही हुई है। उसके बाद मैं 9th से अपनी मौसी के यहाँ गया था कानपुर में। तो 8th तक सर मैं नॉर्मल स्टूडेंट था, 9th में भी एक एवरेज स्टूडेंट था। इवन मेरे मार्क्स जब टेस्ट वगैरह होते थे बहुत ही बिलो एवरेज आता था। Okay. 10th से मतलब थोड़ा सा मेरा मीडियम चेंज हुआ, लगा कुछ करना चाहिए। Okay. तो पढ़ाई स्टार्ट की, फिर 11th 12th हुआ। उसमें थोड़ा अच्छा आउट परफॉर्म किया। Okay. बट वो होता है ना, जैसे यहाँ पे SSC की प्रिपरेशन में बहुत सारी चीजें जो होती हैं बेसिक वही होता है आपका 9th और 10th। बिल्कुल। तो बिल्कुल। वहाँ पे वो मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं था। Okay. तो जब मैं 11th 12th आया, 12th के बाद मैंने ये डिफेंस के एग्जाम्स दिए, जैसे सर एयरफोर्स हो गया और NDA के दिए। तो एग्जाम तो सारे क्लियर हो गए थे, पर मैं उसमें मेडिकली आउट था, मुझे कलर विजन था। ओके। हाँ, तो मतलब जीवन में ट्रांजिशन 10वीं के बाद शुरू हुआ, मतलब एक जागरूकता आई कि कुछ करना है। हाँ। ओके। और फिर ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मैंने मेरा 2016 में 12th हुआ, उसके बाद मैंने गांव से ही ग्रेजुएशन किया था। ओके। हाँ, और मीडियम मेरा यहाँ तक हिंदी रहा, मतलब थ्रू आउट मीडियम हिंदी रहा। तो मतलब इस पे मैं थोड़ा सा 30 सेकंड बात जरूर करना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं इंग्लिश को लेकर के उनके मन में होता है, और कई बार ये लॉजिक भी देते हैं कि सर मैं तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ। तो आपके सामने सूरज बैठे हैं, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, गाँव से पढ़ाई की, 12वीं तक हिंदी मीडियम और ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम। हाँ। और लेकिन वो जागरूकता कि भाई उस एग्ज़ाम के लिए क्या चाहिए, उसमें कोई मीडियम का कोई रोल नहीं है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप कर लोगे। आपको करना है, आपको पता होना चाहिए इस एग्जाम क्या मांगता है, उसकी नीड क्या है, सिलेबस क्या है, आप उसको कवर करिए। तो मतलब जैसे आपकी 12वीं हुई, डिफेंस के एग्जाम हम 12वीं के बाद दे सकते हैं, तो वो आपने शुरुआत की, लेकिन फिर वो कलर विजन वाली दिक्कत आई। और ठीक है, तो फिर CGL की जर्नी कब से शुरू हुई? 2019 में मेरा 3rd ईयर था, और मेरा यही गोल था कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। Okay. तब तक मुझे CGL का कुछ नहीं पता था। Okay. तो फिर मैंने मैंने आपको बताया था, मेरे भैया हैं एक साइंस इंस्पेक्टर। Okay. तो उनको यूनिफॉर्म में देखा था वहीं पे कानपुर में ही मैंने। अच्छा। हाँ, तो फिर लगा कि इस जॉब के लिए मुझे जाना चाहिए। तो 2019 से प्रिपरेशन चालू की थी, मतलब CGL के बारे में 2019 में पता लगा। हाँ। प्रिपरेशन शुरू हुई। ओके। तो उस टाइम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और एक साल तक ऑफलाइन ही की थी, उसके बाद ऑनलाइन भी आया मैं। तो उस टाइम मैं नॉर्मल स्टूडेंट था, मुझे नहीं पता था। और बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे कि गांव से स्टूडेंट पढ़ता है, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम ट्रांजिशन होने में टाइम लगता है। बिल्कुल। अरिथमेटिक और एडवांस जैसे मैथ्स का जो सेक्शन था वो भी नहीं आता था। तो वहाँ से प्रिपरेशन करते करते धीरे धीरे मेरा मूव आउट हुआ। ओके। मतलब हम आएंगे विषयों पर, हम आएंगे धीरे धीरे। तो ये CGL की जर्नी 2019 में शुरू हुई, पेपर दिया आपने, रिजल्ट क्या आया उसका? सर मैं पास था। पास थे आप। और उसके साथ भी और भी एग्जाम्स दिए, जैसे मैंने रेलवेज के एग्जाम दिए और SSC CHSL दिया, MTS दिया, और भी सारे एग्जाम दिए, वो सारे ही सारे क्लियर हो गए। सारे। क्या बात, ये बड़ी उपलब्धि है, राइट? तो क्या इसके पीछे क्या बताओगे, अगर कोई पूछे क्या मंत्र था इसका, कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसको उतने करियर ऑप्शंस के बारे में भी नहीं पता ग्रेजुएशन तक, मतलब खत्म होने तक, और जैसे पता लगता है वो सारे एग्जाम्स क्लियर करता है, तो क्या तो एग्जाम के बारे में पता होने चाहिए कि एग्जाम क्या चाह रहा है, उसका सिलेबस देखो और प्रीवियस ईयर में क्या आ रखा है उसमें, तो वो देखो, और फिर किसी एक टीचर को फॉलो करो, या आपसे खुद से हो रहा है तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी आपके स्टडी मटेरियल है, जो भी चीजें हैं, उसको फिक्स्ड रखना है। बिल्कुल। और कंसिस्टेंट रहना सर। मैं बिल्कुल सूरज की बात से सहमत हूँ, थोड़ा सा इसमें और मैं ऐड करूंगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। कई बार हम भी देख रहे होते हैं कि बैच में जब पढ़ा रहे होते हैं ना, बच्चे को सिलेबस का भी नहीं पता होता कि ये एग्जाम क्या पूछ रहा है, वो तो खैर हमारी जिम्मेदारी है पहली क्लास में पूरा सिलेबस बताते हैं, तो ये दिखा रहा होता है कि आप तैयारी को लेकर कितने कैजुअल हैं। तो सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसका पूरा सिलेबस, पैटर्न, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखिए, ये देखिए कि भाई किन किन एरिया से क्वेश्चन आते हैं, उनका क्या लेवल होता है, और उस एनालिसिस के बाद जब आप एक तरीके से तैयारी शुरू करते हो फिर सफलता मिलती है। और जो ये वाली टीचर वाली बात भी, वो भी बात ठीक है। और जो दूसरी बात है वो भी ठीक है कि आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं,
अगर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं एक मेंटोर के तौर पे, एक कोच के तौर पे, कि आपका काम थोड़ा सा आसान बना देते हैं कि भाई आपको शायद एक साल दो साल लगा करके ये पता लगे कि मेरी कमी कहाँ है, और हम थोड़ा सा उस काम को आसान बनाते हैं और कोई काम नहीं होता। सफलता फाइनली स्टूडेंट की मेहनत से मिलती है, वही तो मैं बार बार कहता हूँ भाई हम तो सभी को पढ़ा रहे हैं, सफल तो उसमें से लिमिटेड होते हैं, तो ऐसा तो नहीं उनके कान में कोई गुरु मंत्र अलग से दिया गया था, बट उन्होंने उन बातों को फॉलो किया, चीज़ों को प्रैक्टिस किया, और अगर वो अवेयरनेस खुद में है तो आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आप कर रहे हो, जैसे आपने किसी एक मेंटर को फॉलो किया, तो उसे चेंज नहीं करना है, जो भी आपकी बुक लिस्ट है, जो भी स्ट्रेटजी है, उसे चेंज नहीं करना है, सब उसी को फॉलो करते रहना, हम लोग कुछ अलग नहीं करते हैं, जैसे एग्जाम क्लियर हो जाता है, करना वही करना होता है, बट उसकी एनालिसिस जरूरी है, ऐसा नहीं कि जो कर रहे हो यार मतलब मान लो किसी के कहने सुनने पर कर लिया, बट ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं, एनालिसिस जरूर करिए, मॉक पेपर्स दीजिए, देखिए कहाँ पे कमी है, अगर वहां से दिक्कत नहीं हो रही तो रिसोर्स बदलना भी पड़ेगा, तब रिसोर्स बदलना पड़ेगा, लेकिन बार बार जंपिंग करना वो गड़बड़ है। कई बार क्या होता है ना, रिसोर्स आप टाइम भी बहुत बर्बाद करते हो, अब जब अपने होम टाउन में होते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, अब सालों साल वहां पे बर्बाद कर देते हो, बिल्कुल बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है। लाइव क्लासेस में ये कॉमेंट्स बहुत आते हैं, सर काश पहले मिले होते, तो वो भाई मैं उसी वाली बात कर रहा था कि भाई हम सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, कई बार उस गाइडेंस के अभाव के कारण बच्चा भी मेहनती है लेकिन उसको पता नहीं मेहनत कहाँ करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। चलिए तो बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है सूरज आपकी। अब मैं थोड़ा सा आऊँगा, मतलब ये जो हमारे एरियाज हैं अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, GS है, अभी तो नए पैटर्न में सारे एरियाज का इंपॉर्टेंस है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही और आपका सुझाव क्या होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं? देखिए जैसे मैथ्स में है अरिथमेटिक और एडवांस का पोर्शन, तो आपको सबसे पहले तो देखना है आपका आपका बैकग्राउंड कैसा है, अगर आपका थोड़ा बहुत बेसिक बैकग्राउंड है तो आप जैसे भी चाहो वैसे पढ़ सकते हो, सेल्फ से कर लो मैंने बताया, या आप मेंटोर ले सकते हो कोई, पर आपको ये पता होना चाहिए किससे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि SSC का जो लेवल है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड हो गया है, तो आपको वही फॉलो करना है, तो आप और उसके साथ साथ जैसे आपने किसी से भी पढ़ा या कैसे भी पढ़ा, तो मैथ्स में आप क्विजेस दे रही रेगुलर रहना है उसमें, मतलब पढ़ने के बाद टेस्टिंग जरूरी है, टेस्ट देते रहिए और उसका डिटेल्ड एनालिसिस, हाँ कि आपको ये पता लगे कि किस सेक्शन में काम करने की जरूरत है, किस चैप्टर पे काम करने की जरूरत है। कई बार बड़े ब्लैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट देते हैं, सर मैथ्स में दिक्कत है, इंग्लिश में दिक्कत है, भाई क्या दिक्कत है ये तो पता करो, ये स्टेटमेंट खुद ही बता रहे कि आप स्पेसिफिक नहीं है अपनी चीजों को लेकर। कई बार क्या होता है हम बैच में ही लगे रहते हैं, ये खत्म हुआ फिर दूसरा खत्म हो गया फिर तीसरा खत्म हो गया, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्विजेस नहीं देते हैं, उसी को बार बार नहीं कर, आपका सिलेबस अगर एक बार कंप्लीट हो गया पूरा पढ़ लिया तो अब आपकी बारी है कि आप पेपर्स लगाएं, मॉक पेपर्स लगाएं, हाँ मॉक दें और वहां से देखें कि किन एरियाज पे दिक्कत है, उन पे काम करें और सिलेक्शन लें, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, नॉर्मल है, यही तो दिक्कत है लोगों की, सब यही नॉर्मल और सिंपल चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि आप ऐसा क्या करते हैं जो सिलेक्शन हो जाता है, सिर्फ एक सोर्स फॉलो करना है, बिल्कुल उसी को बार बार करना है, दिक्कत आती है बार बार रिपीटेशन में, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, हाँ दिल टूट जाता है लोगों का, वो पेस मेंटेन नहीं रख पाते फिर से। तो अब थोड़ा सा सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, मैथ्स के बारे में आपने बताया, इंग्लिश को लेकर के क्या दिक्कतें आती हैं, जैसे मतलब एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से चैलेंजेस बताना और फिर आपने उसके लिए क्या किया वो बताना। सर इंग्लिश में तीन टॉपिक हैं, SSC CGL की मैं बात करूं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैबुलरी होगी और ग्रामर होगी, तो सबसे पहले तो हम लोग जाते हैं जैसे लोकल में होते हैं तो ग्रामर पे ज्यादा फोकस करते हैं, ग्रामर ही पढ़ते हैं वहाँ पे, इंग्लिश इज ऑल अबाउट जस्ट मगिंग अप द ग्रामेटिकल रूल्स, ये उससे केवल कुछ नहीं होने वाला, आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैं बताता हूँ ग्रामर पे आता हूँ, कोई बेसिक बुक हो गई प्रीवियस ईयर का हो गया उसको पूरा फॉलो करना है A to Z और एक ही बुक को बार बार करना है, तो वो अपने आप रूल्स और बाकी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है वोकैबुलरी का, वोकैबुलरी में हमें जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया और idioms phrases हो गया, ठीक है स्पेलिंग, हां बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, जैसे सर सिनोनिम में क्या दिक्कत आती है, बुक्स में नॉर्मल क्या होता है एक सिनोनिम दिया है मतलब एक वर्ड दिया उसके चार पांच सिनोनिम दे रखे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है एक के साथ पांच याद करना, तो आपको एक के साथ पांच नहीं एक ही याद करना है, ठीक है उसके साथ, और साथ में आपको डेली 50 या 20 जैसी आपकी क्षमता है उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वैसे ही आपको वो भी करना है idiom भी करने, वन वर्ड्स करने, स्पेलिंग करने, और इसमें जैसे क्या होता है सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेडिसिन देते हैं हमें दिन में तीन बार लेनी है, तो इसको भी सर हमें वैसे ही करना है कि मॉर्निंग में कर लिया फिर वही जो आपने मॉर्निंग में किया है वही आपको आफ्टरनून करना है या नून के टाइम करना है दोपहर में कर लेना या फिर उसी को इवनिंग करना है सर, फिर नेक्स्ट डे आगे बढ़ना है आपको और एक बार देख लेना है जब आगे बढ़ना है पिछला वाला। और फिर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सर कॉम्प्रिहेंशन, और वो आपका तभी इम्प्रूव होता है जब आप
बहुत ज्यादा रीडिंग करते हैं, इसमें आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे। बिल्कुल। और रीडिंग भी सर जैसे क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जैसे हमने कोई चीज स्टार्ट की, बोल देते हैं द हिंदू पढ़ लो, तो द हिंदू नहीं पढ़ना, आपकी आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग देखो ना, आप क्या अब्सॉर्ब कर सकते हो, क्या आपको अच्छा लगता है, वहां से आप रीड करिए। छोटे छोटे नॉवेल्स हो गए और भी जो अच्छा लगता है वो करिए। स्टार्टिंग में मेरे भी मतलब मार्क्स में नंबर नहीं आते थे इंग्लिश में, इवन कॉम्प्रिहेंशन तो सर ऐसा था कि 3-4 ही मतलब सही होते थे, या 1-2 सही होते थे किसी किसी में। तो उसके लिए सर बहुत ज्यादा नीड होती है कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग। जैसे आपका बैच पढ़ा था तो उसमें क्या था सर, बहुत सारे आपने सोर्सेज भी बताए थे, कई वेबसाइट्स बताई थी और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन जो था आपका अच्छा लगता था। वहां से अंग्रेजी के प्रति प्यार बढ़ा थोड़ा सा, वहां से थोड़ा सा मतलब एक वो होता है ना कि एक सब्जेक्ट बेस्ड होता है, एक नॉलेज बेस्ड होती है, तो वो चीजें होती थी कि डिटेल में सारी चीजें समझ में आ जाती थी। बिल्कुल। ये नहीं कि मतलब इतना ये यही है इतना ही कर लो बस। तो इसके बाद मतलब जब से वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दिया, तब से स्कोर में कितना इंप्रूवमेंट दिखा आपको? स्कोर में ड्रास्टिक चेंजेस हुए थे। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे प्री में क्या होता है, 25 क्वेश्चंस का होता है। बिल्कुल। तो नॉर्मली जब पहले देता था 2019 की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे आते थे 10-15 मॉक नंबर्स आ गए। और एक टाइम ऐसा था जब ये सब मैंने कर लिया, प्रिपरेशन अच्छे से कर ली थी, तो 25, 23, 22 ऐसे मतलब क्वेश्चन सही होने लगे, 40 प्लस मार्क्स हो गया। हाँ बिल्कुल। इवन ये इनपुट बहुत सारे सफल स्टूडेंट्स का रहता है कि इस आपका स्कोर बढ़ाने वाला और ऊपर रैंक लाने वाला एरिया ये है इंग्लिश में, वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन, जो कि नज़रअंदाज रहता है। और वोकैब में मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा, जैसे जैसे सूरज ने कहा कि सिनोनिम रटने वाली बात, आप गारंटी नहीं कर सकते कि जो सिनोनिम आपने बुक में पढ़ा वही एग्जाम के ऑप्शन में मिलेगा, राइट। और दूसरी बात ये कि वो पूछते हैं व्हाट इज द बेस्ट सिनोनिम आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, तो हो सकता है कि वो चारों वर्ड सिनोनिमस हो। तो वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू आवरसेल्फ कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है क्या जिसके बेसिस पे हम चारों में से एक को पहुंचे। हाँ, तो जो सारी चीजें मैं वोकैबुलरी में जो बताता हूँ, वही कॉनोटेशन है, कॉलोकेशन है, कॉन्टेक्स्ट है, एसएससी का बच्चा रटने पे ज्यादा यकीन करता है। अगर आप खुद ही उसको खुद जैसे वो एनालिसिस वाली बात है कि एग्जाम क्या पूछ रहा है और आप कर क्या रहे हो, तो आप अगर एक हिंदी मीनिंग रट रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। नोबडी इज आस्किंग द हिंदी मीनिंग ऑफ एनी वर्ड इन एनी ऑफ द एग्जाम्स, एंड नोबडी इज आस्किंग राइट डाउन 5 सिनोनिम और एंटोनिम ऑफ दिस गिवन वर्ड। स्कूल का एग्जाम तो है नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यू हैव टू चूज वन ऑप्शन। सो वी नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म जो हमें मदद करे सही ऑप्शन पे पहुंचने में। आपको रटना नहीं, रटना नहीं है। तो मेरी और ये एक प्राइम डिफरेंस भी है स्कूल कॉलेज की पढ़ाई। मैं आपके बैचेस में जनरली नहीं बोलता, व्हेन आई यूज्ड टू टीच फॉर कैट बैचेस पहले यही पूछता था मैं इन द वेरी फर्स्ट क्लास दैट व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू फील इन टर्म्स ऑफ अप्रोच फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम विज़ावी एकेडमिक जो पढ़ाई लिखाई होती है उसमें यही है। स्कूल में मगिंग अप से काम चल जाता है, रट के चल जाएगा, यहाँ पे पूरा फोकस आपका अंडरस्टैंडिंग पे है। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो फिर चीजें आपकी बेहतर होती है। इंग्लिश में सर धीरे धीरे बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश में धीरे धीरे ही बढ़ेगी। मैथ्स में आप कॉन्सेप्ट सीख के प्रैक्टिस करके बहुत आगे जा सकते हैं, बट इंग्लिश टाइम लेती है सर। और खासतौर से जो एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज को फंक्शनल एस्पेक्ट कहा जाता है लैंग्वेज का, ग्रामर में भी जैसे फंक्शनल एस्पेक्ट है उसको आप समझो रादर देन रूल रटने के, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडवर्ब। तो अगर वो फंक्शन समझ में आ गया देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ मगिंग अप दोज रूल्स। अब आप जानते हो कि उस टॉपिक का क्या रोल है सेंटेंस के अंदर, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई। चले सो मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, बात कर लेते हैं जीएस और जीके की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इतना वास्ट सिलेबस है, इसमें बहुत वास्ट है, इस पे बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स क्या होते हैं इसी को टाइम देते हैं ज्यादा, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। जीएस को आप स्कोरिंग टॉपिक्स आपके हैं मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग, बिल्कुल जीएस बहुत बड़ा है सबके, आप सब कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि कुछ भी कहीं से पूछ सकता है। तो जीएस में मैंने क्या किया था कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, बहुत से लोग लूसेंट वीक से भी करते हैं। मैं एनडीए का एग्जाम जब दे रहा था तो एक बुक आती थी पाथफाइंडर, ओके सबको करने की जरूरत नहीं, आप लूसेंट से भी कर सकते हो, मेरे पास थी तो मैंने उसी को फॉलो किया था उस टाइम भी, ठीक है, और इस टाइम भी मैंने वही उसी से कर लिया था। शॉर्ट है, आप बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने हिस्ट्री उससे कर ली थी और पॉलिटी भी कर ली थी, ज्योग्राफी बहुत ज्यादा नहीं की थी सर क्योंकि उससे आपको ये भी देखना है एग्जाम में कितने क्वेश्चन है, वेटेज, हां वो वेटेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर से सारा कर लिया था। उसके बाद आता है आपका स्टैटिक वाला टॉपिक, स्टैटिक मैंने लूसेंट से की थी, पीछे दिया हुआ है, अभी तो और ज्यादा पीडीएफ वगैरह आ गई, आप उनसे भी कर सकते हो क्योंकि चेंज हो गया, मेरे पास पुराना था तो मैंने डेली मैं उसमें एक टॉपिक दो टॉपिक ऐसे करता था। उसके बाद थर्ड आता है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स भी सर ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं फॉलो करने हैं, मैंने एक स्पीडी की बुक आती है मैंने उसी को सिर्फ फॉलो किया था। और ये ऐसा सेक्शन है कि सर अगर आप बहुत ज्यादा टाइम भी देते हो तो कोई फायदा नहीं है, उसका वेटेज नहीं है उतना। बिल्कुल। सो
करंट अफेयर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, राइट, और वो डेली खुराक आप ले सकते हैं। अगर वो खुराक एक साथ इकट्ठा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, आप एक ही सोर्स फॉलो करिए, लेकिन उसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इन द करंट टाइम्स वी आर फ्लडेड विद रिसोर्सेज, समझ में नहीं आता उसमें से क्या लें, तो कई सारे तो स्टूडेंट उस बाढ़ में बह जाते हैं। वो ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, यहाँ से भी करेंगे, लगता है ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। आपको अच्छा अच्छा नहीं देखना, बिल्कुल आपको ये देखना है कि कौन कैसा है, वो नहीं देखना आपको, सिर्फ आपको एग्जाम टारगेट करना है, उसके लिए आपको सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। जहाँ क्लटर आपने शुरू किया वहाँ दिक्कत बढ़ने शुरू हो जाएगी। वो कंसिस्टेंसी जरूरी है कि भाई रात को सोने से पहले पूरे दिन का जो करंट अफेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल, वो आप एक बार ब्रशअप कर लो। रोज उतनी खुराक अगर लेते रह रहे हो तो फिर एग्जाम के लिए कोई खास दिक्कत नहीं होती। और प्लस जो भी नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं उनका बैकग्राउंड भी आपको समझ आता है। जब आप चार महीने के बाद जगते तो फिर आपको समझ नहीं आता कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट, क्लियर होती, क्योंकि आपको पहले तो टियर 3 भी देना होता था। बिल्कुल, तो वो जब आप चीजें देख रहे होते तो वहां पे राइटिंग में आपको, बिकॉज चाहे लिखना है या बोलना है, कंटेंट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। चाहे आपको बोलना है या लिखना है, कम्युनिकेशन कम्स लेटर, फर्स्ट थिंग इज द कंटेंट। और कंटेंट ऐसा नहीं कि दो दिन में आ जाएगा, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चले बहुत अच्छी बात, तो हमने सारे एरियाज की बातें कर ली, राइट। सर एक चीज मैं मैथ्स में ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या होता है, बच्चे अर्थमेटिक कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक एडवांस कर लिया, उसके बाद उसमें क्या आता है, लोगों को लगता है कि ट्रिक्स सीख ले, तो ट्रिक्स नहीं मैटर करती है। जब आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप ट्रिक्स खुद से भी बना लोगे। और दूसरा आता है आजकल सर, लोग कैलकुलेशन के पीछे बहुत भाग रहे हैं, तो और कई लोग वैदिक मैथ्स भी कर लेते हैं, वो तो कभी काम नहीं आता एग्जाम में। आपका कैलकुलेशन आपके क्वेश्चन करने से ही इम्प्रूव होगा, प्रैक्टिस के अलावा कोई और चारा नहीं है। कैलकुलेशन के लिए आप कुछ भी कर रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप डेली जो नॉर्मल चीजें हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, हम क्या होता है डिवीजन मल्टीप्लीकेशन के रूल्स रट लेते हैं, तो वो एक्चुअल एग्जाम में तो नहीं आता। हम बचपन से जो करते आ रहे हैं ना, हमें जैसे मल्टीप्लाई करना है वैसे ही हम एग्जाम में करते हैं जाके, क्योंकि प्रेशर होता है। तो उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, अपने आप चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। हाँ, प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होंगी। तो आदतों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। बचपन से जो करते आ रहे उसके में ट्रांजिशन में टाइम लगता है। क्या फिर कहते हैं ना कि सर किसी एक चीज को 50 बार नहीं करो, मतलब एक चीज को 50 टाइप से मत करो, एक सिंगल टाइप पकड़ लो, उसको 50 बार कर लो। बिल्कुल, बिकॉज अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करी जाए, इट्स ऑल अबाउट स्किल डेवलपमेंट। जो होता है ना कि जानना, समझना, प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस से हैबिट बनती है और हैबिट से स्किल बनती है, और स्किल की जरूरत है परफॉर्मेंस के लिए। तो वो है कि आपने पहले रट लिया और जा करके उगला होगे तो ये पॉसिबल नहीं है। वो स्कूल का एग्जाम नहीं, वन नाइट स्टडी कर लिया इंजीनियरिंग, एक हफ्ते पढ़ाई करी और सेमेस्टर निकल गया। ये तो एसएससी का, और ये पैटर्न में चेंज भी हुआ है थोड़ा। मतलब अब आप अगर देखोगे, जैसे अभी जो नया पैटर्न भी है, समवन हु हैज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, उसके ज्यादा चांसेस होंगे। बिकॉज आने वाले पिछले साल से अगर मान लो 20 साल पुराना आप एसएससी का पेपर निकालो और आज का निकालो, बहुत डिफरेंस दिखेगा। कैट का पेपर आज से 2000 का निकालो, अभी निकालो, बहुत डिफरेंस मिलेगा। तो हर एग्जाम अपने लेवल पे थोड़ा बेहतर करता है, अप जाता है गेम। तो शायद 15 साल पहले चीजें रट के आपके नैया पार हो जाती हो, अभी आपको अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वही वाली बात, तो आप खुद ही ट्रिक्स बना लोगे, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लास्ट 4 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स जो भी हैं वो देखने, और एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मतलब 2-3 महीने कर लिए, फिर आपको मॉक्स देने हैं, और मॉक्स का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, किस पार्ट में आपको इशू आ रहा है, फिर उसको डिटेल में पढ़ लो दोबारा से। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बार जो गलती हुई है, मतलब आप कोशिश करो कि आपको दोबारा से वो चीजें ना फेस करनी पड़े, वही चीज बार बार गलत ना हो। तो ये हाँ, वो मॉक, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस, एरिया जो इम्प्रूव करने हैं वो आप करो। जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला मामला होता है, ये नहीं गड़बड़ ऐसा नहीं, उसमें देखो कि भाई कहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पे काम करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और जब अगले मॉक में पिछले वाले से बेहतर नंबर आते हैं तो अंदर से खुशी होती है। वो जो कहते हैं ना सर, मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, अपने से ही आता है मोटिवेशन इंस्पिरेशन, बाहर वाले आगे से कभी नहीं आता। हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते हैं, जैसे जब हम स्टडी टारगेट्स बनाते हैं डेली और उसको अचीव कर लेते हैं, सर जो खुशी होती है वो सबसे ज्यादा, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। इस फील्ड में आपको मोटिवेशन खुद से ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं से नहीं मिलने वाला। क्योंकि प्रिपरेशन में क्या होता है, जैसे सर हम किसी दिन नहीं प्रिपेयर कर पाए, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो एक गिल्ट आ जाता है मन में कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो उसको आप तभी दूर कर सकते हैं जब छोटे छोटे टारगेट बना के उसको कर लो। और हम लोग के साथ तो सर बहुत ऐसा होता था कि जैसे 2 दिन नहीं पढ़ा तो फिर ऐसा लगता था मन में कुछ भरा हुआ है, कैसे कुछ छूट गया जीवन से, मतलब कुछ निकल गया है। बिल्कुल, जब इस तरह की फीलिंग आएगी तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं कि कोई डंडे लेके कह रहा है, लेकिन आपने अपने ऊपर खुद वो प्रेशर दिया हुआ है, होता है। उसके बिना सफलता नहीं मिल सकती, कंसिस्टेंसी आ ही नहीं सकती। वही होता है ना कि ड्रीम जो है, हम कहते हैं ना ड्रीम जॉब,
या गवर्नमेंट जॉब एक ड्रीम है, तो ड्रीम तो आपका एक विजन है, लेकिन उस विजन को अचीव करने के लिए आपको मिशन बनाने पड़ते हैं, और वो मिशन वही टारगेट से जो आप कह रहे हो, हाँ, तो आपने दूर वाला लक्ष्य तो बना लिया, नहीं एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है या सेक्रेटरीट में जॉब चाहिए मुझे या जो भी है, लेकिन वही वाली बात की एक बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में फिर उसको वही है कि मंथली है, वीकली है और डेली है। जो सुबह लक्ष्य बनाया अगर शाम तक आप पूरा नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आप डिप्रेस फील करते हैं, और हम धोखेबाज किसको बोलते हैं, जो वादा करे और ना पूरा करे। जो लोग कहते नहीं कि सर मैं बहुत लो फील करता हूँ, आजकल बहुत होता है, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत हैं आज दुनिया में, बहुत तेजी से बढ़ी हैं पिछले सालों में, तैयारी करने वाला बच्चा एक अलग तरह के प्रेशर में, फैमिलियल प्रेशर है एक अलग तरह से, दोस्तों रिश्तेदारों उसका अपना भी प्रेशर है, उम्र बढ़ रही है मैं क्या करूं, तो वो बेचारा समझ ही नहीं पाता कि उसमें कहां वो फंसा हुआ है। तो उससे निकलने का वही तरीका है कि जब अब आपने अपना भरोसा रोज तोड़ा है, सुबह वादा किया शाम को तोड़ दिया, और जैसे अभी दो दिन की बात करी, अब ऐसे कोई एक हफ्ता कर ले तो उसे लगता है मैं नालायक ही हूं यार, अपने से किया हुआ वादा तो मैं शाम तक पूरा नहीं कर पाता, मैं क्या ही करूंगा, और वही अगर वो कर लिया तो फिर उससे तगड़ा कॉन्फिडेंस किसी चीज से नहीं आ सकता। हाँ, ऐसा होता है, और वो वाली बात कि सोना नहीं है, अगर लक्ष्य बनाया हुआ है रात के 12 बज गए पूरा करो भाई, तुमने मॉक दिया एनालिसिस कर रहे हो, तुम्हें पता लगा 10 क्वेश्चंस में गड़बड़ है, कौन से कॉन्सेप्ट्स थे, कहाँ दिक्कत हुई, कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन में दिक्कत है, चीजें सीखिए पूरा करके ही सोइए, तब ये सफलता मिलती है। वो तो सर, ये नहीं ठंड आ गई रजाई है मम्मी पराठे दे रही हैं क्या दिक्कत है घर रहे सर, वो खुद के अंदर आग होनी चाहिए कि जब एक बार टारगेट सेट कर लिया तो फिर नींद नहीं आती है। कई बार क्या हम लोग के साथ भी होता था, सो गए 2 घंटे के लिए, जैसे वोकैबुलरी पढ़नी थी मेरे, बिल्कुल, तो सो गए फिर 2 घंटे बाद मतलब अचानक से नींद खुल गई, कुछ करना था तो फिर कर लिया, तो वो चीजें खुद से आती है, बिल्कुल, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत जरूरी। और आपको जब एक बार SSC के एग्जाम, सर बहुत ही नॉर्मल एग्जाम है, बहुत ज्यादा आपको हाई टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं, एब्सोल्युटली एक साल एनफ है, पर एक चीज दिक्कत ये आती है, जैसे आपने एक साल का टाइम दिया खुद और आपने बीच में टाइम इधर उधर लगा दिया, तब जाके दिक्कत होती है कि आप खुद से कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, और फिर वो टारगेट अचीव करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अगर आप ज्यादा टाइम दे रहे हो तो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल वही बात है, डिफिकल्टी लेवल में तो लोएस्ट है SSC, जब मैं क्लास में शुरू भी होता है बच्चों के मन में हवा होता है तो उसको दूर करने के लिए एनालिसिस कर लो, जैसे इंग्लिश में 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आते थे, जबकि वहीं बैंकिंग के मेंस में आपके 40 मिनट मिलते हैं 35 क्वेश्चन के लिए, तो यहीं से पता लग रहा है कि SSC बैंकिंग से लोअर है, अगर हायर होता तो वो टाइम ज्यादा देते, तो कंसिस्टेंसी चाहिए, कहते हैं राहुल द्रविड़ बनना होता है आपको, राहुल द्रविड़ बनना होता है, धैर्य चाहिए, लगे रहिए वहां पे, अब तो खैर पैटर्न चेंज हो गया थोड़ा, बट अभी तक यही था, तो ऐसा नहीं कि पेपर बहुत हाई लेवल है, इवन ये समझ लीजिए सर जो प्री होता है 60 मिनट्स का होता है, नॉर्मली हम लोग का 45-50 मिनट्स में हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और मेंस में भी इंग्लिश का पेपर 25 क्वेश्चन 10 मिनट में बहुत प्यार से निपटा सकता है एवरेज बच्चा, आराम से, उससे कम टाइम में, बहुत कम हलवा क्वेश्चन होते हैं, सीधा सीधा फटाफट आप निपटा सकते हो, यहीं से तो टाइम बचता है सर, कि पहले एग्जाम में इंग्लिश कर ली कर लेते, जैसे हम लोग करते थे पहले GS कर लेते थे, तो उसमें तो आता है, नहीं आता पता ही है, 4 मिनट और 5 मिनट के समथिंग इंग्लिश हो जाता था, तो 50 मिनट बचते थे, फिर 15 मिनट रीजनिंग को दे लिया और जो बचा टाइम है वो मैथ्स को दे लिया और जो बैक में नहीं हुए उनको देख लिया, जो टाइम टेकिंग लगता है आपको उसके लिए टाइम बचाइए, और ये प्रैक्टिस और ये स्ट्रेटजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉट्स ऑफ एस्पिरेंट्स एक्चुअली दे आर नॉट क्लियर विद द अप्रोच टू टेक पेपर्स, उनको समझ ही नहीं आता, उनको लगता है हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को बराबर इज्जत देनी है, ऐसा नहीं होता है, पेपर स्कैन करो, देखो कौन से एरिया में कम टाइम लग रहा है, पहले अपना नंबर सिक्योर करो, देन गो टू दोस क्वेश्चंस जो टाइम टेकिंग है, जब आप रेगुलर मॉक्स देते हो ना सर तो क्या पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन टाइम टेकिंग है और कौन सा इजी, तो आप हैबिट बन जाती है कि ये क्वेश्चन हमें पहले पिक करना है और इसको लीव कर देना है, बिल्कुल, इसीलिए इसको मानसिक योग्यता परीक्षा बोलते हैं, इट्स नॉट द टेस्टिंग ऑफ योर मैथमेटिक्स इंग्लिश रीजनिंग पर से एज सब्जेक्ट, ये मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है कि दैट हाउ डू यू परफॉर्म इन अ प्रेशराइज सिचुएशन, ये उसकी टेस्टिंग होती है कि सर्टेन क्वेश्चंस आर गिवन, यू नीड टू अप्लाई योर इंटेलिजेंस, कहाँ करना है अप्लाई टाइम और इंटेलिजेंस, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कई सारे होते हैं वो स्कूल वाली दिक्कत की सर टाइम पूरा हो गया और पेपर खींचने लग गए, टीचर कहते नहीं सर 2 मिनट और दे दो, तो वो यहाँ नहीं करना है आपको, आप पेपर स्कैन करो, और पेपर में डेफिनेटली डिफिकल्ट भी है, इजी भी है, मॉडरेट भी है, ये आपका काम है कि स्कैन करके पहले इजी मॉडरेट को सॉल्व करिए, अपना नंबर सिक्योर करिए, एंड देन गो टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन, तब आप जाओगे, और वो बिना स्कैनिंग के पॉसिबल नहीं, लोग क्या करते थे स्टार्टिंग में DI पहले कर लेते थे, लेकिन जब जैसे प्रैक्टिस करते रहे तो क्या होता है DI के क्वेश्चन एक इधर है, एक उधर है, एक उधर है, तो जब प्रैक्टिस करते थे तो ये लास्ट में ये पता चल गया कि इसके क्वेश्चन बाद में ही करने हैं, फिर वो 5 इकट्ठे हो जाएंगे और डेटा आपके पास फटाफट अप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। चलिए, आई थिंक जो इनपुट्स आपने दिए हैं, जो हमारी डिस्कशन हुई है, उससे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत सारी सीख मिलेगी, तो सूरज आपको बहुत बहुत बधाई फिर से इस सफलता के लिए, और मुझे लगता है कि हमारा ये डिस्कशन जो लाखों हमारे एस्पिरेंट्स हैं तैयारी करने वाले हैं उनके लिए फ्रूटफुल साबित हो, वो आपसे इनपुट लें
कि एक हिंदी माध्यम से ग्रामीण परिवेश से आने वाला विद्यार्थी अगर ऑल इंडिया रैंक 655 याद रखिएगा, पूरे भारत में है 655, दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ हो गई और हमारी जनसंख्या इतनी है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगेन वही वाली बात कि टाइम ज़्यादा नहीं लिया, 2019 से पता लग रहा है स्टूडेंट को और तैयारी शुरू हो रही है, और लेकिन अलर्ट बहुत है, 12वीं के बाद से आपने एग्ज़ाम देने शुरू कर दिए, तो वो अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है। उसके साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपनी कमियों का पता लगता है, कैपेसिटी इंप्रूव होती है और सिलेक्शन होता है। कुछ और कहना चाहते हैं आप लास्ट में? कुछ ये कि आप मेहनत और लगन से अपने गोल के प्रति लगे रहिए और पता कर लीजिए क्या गोल है और फिर उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करके अचीव कर लेंगे। बिल्कुल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल, बहुत ही। ऐसा नहीं ऐसे लोग किसी और ग्रह से आते हैं सिलेक्शन वाले, ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारे ही बीच के लोग हैं और आप ही जैसे ये भी क्लास में बैठे हुए थे, बस वही चीज़ थी कि देखने का तरीका, पढ़ने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, सफलता जरूर मिलेगी। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट लेट्स रैप अप दिस एडिशन। थैंक यू वेरी मच।